हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगा, शेयर से लाभ मिलेगा या ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाले हैं या विदेश यात्रा का जाने का योग है, आज आप साहित्य के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन करने वाले हैं या लॉ के फील्ड में कुछ करने वाले, या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं, जो आप सोच रहे हैं प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इस सब में आज हम आपको बताएंगे कि किस में आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है और आज आपकी माली हालत कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति में क्या होने वाला है और बच्चों से कैसा संबंध रहेगा, पति पत्नी के कैसे संबंध रहेंगे और आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में आवे और अपना प्रश्न लिखें, नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके अपना भेज दें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको यश, पद, प्रतिष्ठा में मिलेगी, ख्याति मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, चतुर्दिक प्रगति से मन आज आप प्रसन्न रहेगा, आह्लादित रहेंगे और कोई भी नई उपलब्धि मिल जाता है तो व्यक्ति भावुक हो जाता है, तो आज आपका भावुक होने का दिन है और उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा आज का दिन। यदि आप फाइनेंस में, शेयर में, ट्रेडिंग में अगर आपने कोई कार्य करने का योजना बना रखा है तो बहुत ही अच्छा है। लॉ फॉर्म बना करके अगर आज से व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैनेजमेंट के फील्ड में अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकली आज आप टेक्निकल चीज़ें रिसर्च करें या किसी चीज़ का प्रयोग करें, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य करने की अगर आपने प्लानिंग कर रखा है या कंपनी बनाने की बात सोच रखी है तो आज उसमें सब में आपको आशातीत, मनोनुकूल सफलता मिलते हुए दिख रही है। संतान की प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा और नए तरह के कार्यों से मन प्रसन्न रहेगा। तीर्थाटन, देशाटन का भी योग बन रहा है, तीर्थयात्रा का भी योग बन रहा है। घर में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार की भी स्थिति दिख रही है। पारिवारिक स्थिति में सुदृढ़ होगा। यदि आपके भाई बहन है, परिवार में लोग हैं, सबके लिए आप लगे रहेंगे, कुलदीपक हैं परिवार के लिए, लेकिन परिवार से कोई क्रेडिट न मिलने के नाते आपका मन थोड़ा सा तनाव में आ सकता है। पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी की हेल्थ और वेल्थ दोनों बेहतरीन होगी। पत्नी को आज नौकरी मिल सकती है, पत्नी नए तरह के व्यापार कर सकती हैं, आपके कार्यों में आपका सहयोग देंगी, राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। और यदि आप राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में आज आपकी प्रगति हो सकती है और मैरिड लाइफ आपका अच्छा होगा। घर में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से बचने की जरूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई डील करना चाहता है तो आज बचना नहीं, तो डील में आपको नुकसान हो सकता है। आज किसी पर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, भावेश में आके कोई कार्य नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आज आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करें, भगवान श्री गणेश को दुर्वा और जल अर्पित करें और साथ ही साथ उनको मोदक अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 3, शुभ रंग है हरा। हरे कृष्ण।